नमस्कार, मैं क्या बात करूंगा नीट पीजी 2024 की जो हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में 25 तारीख को, उसके बारे में लेकर बात करूंगा इस वीडियो में। तो बता दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें, मैं ऐसी एडमिशन रिव्यूज लाता रहता हूं। तो बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में जो कल हियरिंग हुई, आपकी जो पिटीशन फाइल हुई थी कैंडिडेट्स के द्वारा रिगार्डिंग जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ नीट पीजी 2024 जो एग्ज़ाम शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में कराए गए थे उसके रिगार्डिंग, तो उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ NBMS की तरफ से और जो कैंडिडेट्स की तरफ से आपके जो लॉयर्स थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कि आपने आंसर की इस पब्लिश क्यों नहीं की। तो NB के वकील ने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि आंसर्स, अगर हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी पब्लिश कर देंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो जल्द से जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में जल्दी इजीली ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक जोकेबल आंसर था मेरे हिसाब से NBMS की तरफ से। और बात कर लें हम लोग की क्या चीज़ें आपको देखने को मिली, तो मैं बता दूँ नेक्स्ट ईयरिंग की डेट दी गई है जजेस के द्वारा। अब जजेस के द्वारा क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2-2.5 महीने काउंसलिंग लेट हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं हुआ कोर्ट में कि ऑलरेडी रिजल्ट निकले कितना टाइम हो चुका है और डॉक्टर्स कितने पेशेंटली वेट कर रहे हैं, पेशेंट से वेट कर रहे हैं कि कब एडमिशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ने अपने रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर ली हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया ने भी। देखना ये है कि कब और किस तारीख को एडमिशन स्टार्ट होते हैं। मैक्सिममली पॉसिबिलिटी हम देखते हैं तो दिसंबर से शायद आपके एडमिशन स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि नवंबर में मुझे कोई चांस नहीं दिख रहा है और दिवाली के हॉलीडेज़ भी हो चुके हैं और साथ ही साथ जो कोर्ट हियरिंग है वो 19 नवंबर को शायद होने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो से मुलाकात होगी।